हम सबके सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। कभी ये कथा को श्री समीर त्यागी और उनको धर्म और उनकी माता जी, उनकी जो पिता श्री विनोद कुमार त्यागी की आत्मा को कल्याण हो, आत्मा को शांति पहुंचे, इनकी पितर दोष खत्म हो जाए और घर में शांति सुख मिले, इसी उपलक्ष्य में उन्होंने ये श्रीमद् भागवत कथा को रखा है। यदि ये श्रीमद् भागवत कथा है, ये संतों का कहना है, जगत में ऐसे कुछ काम ही नहीं, अगर हमारे पास में पैसा की बल हो जो काम को हम कर सकते हैं, जगत में ऐसे कुछ काम नहीं अगर हमारे पास में मन बल हो जो काम को हम कर सकते हैं, जगत में ऐसे कुछ काम है अगर हमें कोई परिवार लोग मदद करें जो काम को हम कर सकते हैं, लेकिन जगत में ऐसे कुछ काम है अगर हमारे पास में आत्मबल हो जो काम को हम कर सकते हैं। लेकिन संत लोग कहते हैं ये श्रीमद् भागवत कथा सुनना और ये भागवत कथा को रखना न तो कोई पैसा के बल पर कर सकता है, न तो कोई जन बल पर कर सकता है, न तो कोई मन की बल पर कर सकता है, न तो कोई आत्मा की बल पर कर सकता है। जब तक कि बांके बिहारी में राधा कृष्ण के ठाकुर जी की कृपा की बल नहीं हो, यदि ये कथा कोई कर ही नहीं सकते हैं और ये कथा कोई सुन नहीं सकते। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे परिधि, बोले जन्मांतरे भवे तो पुण्यम तथा भाग्यम। यदि भागवत कथा सुनने का सौभाग्य कब होगा, जब करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय हो तभी ये भागवत कथा को हम श्रवण कर सकते हैं। इसलिए साधारण भाग्य से ये कथा कोई सुन नहीं सकता है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परिधि, बोले स्वर्गे सत्य च कयासे वैकुंठे नास्ते अमरस। आज जो सौभाग्य हम लोग को प्राप्त हो रहा है, सुखदेव गोस्वामी कहते परिधि, स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। हम लोग आगे जाकर के सुनेंगे, जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी ये भागवत कथा बोलने जा रहे थे, स्वर्ग से 33 करोड़ देवता स्वर्ग का अमृत कलश लेकर आए। बोले हे सुखदेव गोस्वामी, ये परिचित को आप कथा क्यों सुनाने जा रहे हैं? बल इनको श्रृंगी ऋषि ने अभिशाप दिया, ये सप्तम दिवस में इनको तक्षक दंशन करेगा, इसलिए तो सुनाने जा रहे हो? बोले हाँ। बोले कोई चिंता मत करो, हम स्वर्ग से ये अमृत कलश लेकर आए, लो ये अमृत कलश ले लो, ये परिचित महाराज को पिला दो, ये अमर बन जाएगी। लेकिन ये कथा जो सुनाने जा रहे हो ये कथा हमें सुना, लेकिन इसकी विनिमय में भी श्री सुखदेव गोस्वामी देवताओं को भी ये कथा नहीं सुनाए और उनको वहां से खदेड़ दिया, भगा दिया, अगली कथा नहीं सुन सकते, भाग जाओ यहाँ से। इसका मतलब है जो ये कथा को श्रवण करते हैं कहते भैया आप देवता से भी ज्यादा पुण्यात्मा हो, क्योंकि देवता को भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुई। आज हमें जो सौभाग्य मिल रहा है, यहाँ प्रश्न होता है, देवता लोग ने अमृत कलश लेकर गए थे, बोले ये अमृत कलश पूरा ले लो। अभी प्रश्न है भैया, ये अमृत कलश का क्या कोई महत्व नहीं है? कोई प्रश्न करेगा, ये अमृत कलश का कोई क्या महत्व है? नहीं, आप लोग ने कोई कुंभ मेला में गए हो? कहीं भी कुंभ मेला हो, कौन कौन गए कभी कुंभ मेला में, हाथ उठा, कुंभ मेला कहाँ कहाँ पर होता है? एक तो होता है प्रयाग में, एक इलाहाबाद में, एक नासिक में, और उसी एक जगह पर ये कुंभ मेला होता है। बोले ये कुंभ मेला होता है क्यों? बोले जिस समय गरुड़ ने ये स्वर्ग से ये अमृत कलश को लेकर के आए थे, इन्होंने चार जगह पर ये अमृत कलश रखा था।
विचार जगह पर। पिछले 12 सालों में एक बार ये कुंभ मेला होता है। अगर कभी आप कुंभ मेला में, हम एक बार नासिक में गए थे कुंभ मेला में, 12 घंटा तक लाइन में खड़ा होना पड़ा, 12 घंटे तक। एक डुबकी लगा, पुलिस लोग तो भगा रहे थे, इतने लोग भगा रहे थे। कभी इलाहाबाद का कुंभ मेला में गए होंगे, 15 किलोमीटर पहले गाड़ी रोक दिया जाती है, चल चल करके जाना पड़ता है, और एक गोता लगा वहां से भगा देते। बोले ये कुंभ मेला क्यों होता है? बोले कारण है केवल ये अमृत कलश को मैंने जहां पर रख लिया था, अभी भी वो वृक्ष जिंदा है। केवल वो अमृत कलश को रख लिया था इसलिए ये कुंभ मेला होता है। लेकिन आज देवता लोग संपूर्ण अमृत कलश को दे रहे, ब्रह्म लोग पूरा के पूरा ये अमृत कलश ले रहे। लेकिन इसकी विनिमय में हमें थोड़ा ये भागवत कथा सुना दो। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी कथा नहीं सुनाई, तो तुम कथा नहीं सुन सकते हो, क्योंकि कथा सुनने के लिए करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय हो तभी ये भागवत कथा कोई सुन सकते हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये स्वर्ग की बात छोड़ दो, कहते जो भगवत कथा है, कहते जो श्रीमद भागवत कथा, बोले सत्य लोक में भी ये कथा नहीं। सत्यलोक जिसको कहते हैं, जहाँ पितामह ब्रह्मा जी रहते हैं उसको सत्यलोक कहते हैं। ये ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ जो ऊंचा स्थान है इसको ब्रह्मलोक कहते हैं। कहते ब्रह्मलोक में कहते पितामह ब्रह्मा जी रहते हैं। अगर कहीं कथा हो रही है, अगर ब्रह्मा जी को पता चले ना भैया भागवत कथा हो रही है, ब्रह्मा जी अकेले नहीं, वो अपना पत्नी ब्रह्मा जी को लेकर के ब्रह्मलोक से कथा सुनने के लिए आते हैं। कहते भैया ब्रह्मलोक की बात छोड़ दो, कहते ये श्रीमद् भागवत कथा, बोले कैलाश नास्ते अमरस, ये कथा कैलाश लोक में भी ये कथा नहीं। अगर कहीं भागवत कथा हो, शंकर पार्वती कैलाश में से भी वो दौड़ दौड़ करके ये कथा सुनने के लिए आते हैं। बोले भैया कैलाश की बात छोड़ दो, बोले वैकुंठ नास्ते अमरस, ये कथा वैकुंठ में भी भागवत कथा नहीं। आप लोगों ने हनुमान जी का नाम सुने होंगे, कौन कौन हनुमान जी का नाम जानते हैं? हाँ देखो ये कथा की महत्व सुनो। बोले जिस समय भगवान राम ये मर्त्य जगत को छोड़ करके अपना संकेत अपना वैकुंठ धाम पे जा रहे थे, भगवान राम ने देखा सारे अयोध्या वासी तैयारी वैकुंठ जाने के लिए, लेकिन देखा श्री हनुमत लाल नहीं दिख रहे, श्री हनुमान जी नहीं दिख रहे। भगवान राम ने देखा, कहते ना दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, तुम्हारी कथा नहीं मैं वहां जाना नहीं चाहता हूं। बोले हनुमान
फिर तुम कब आओगे मेरे पास? बिल्कुल प्रभु, इसी मर्त्य जगत में जब तक तुम्हारी कथा चलती रहेगी तब तक यहाँ से मैं नहीं जाऊंगा। जब मैं देखूंगा यहाँ पर तुम्हारी कथा ही खत्म हो गया, कहीं तुम्हारी सत्संग नहीं हो रही है, एक नहीं जाऊंगा, फिर से आपका धाम नहीं चलाऊंगा। इसलिए देखो ये कॉलोनी का नाम क्या है, क्या है? ब्रह्मा जी को कथा सुनने के लिए ब्रह्मलोक को त्याग देना पड़ता है, शंकर पार्वती को कथा सुनने के लिए कैलाश छोड़ना पड़ता है, हनुमान जी को कथा सुनने के लिए वैकुंठ छोड़ना पड़ता है, लेकिन आप लोगों को कथा सुनने के लिए आप लोगों को घर छोड़ना पड़ा। आपको बता, आप लोगों को घर छोड़ना पड़ा क्या? नहीं छोड़ना पड़ा। ये कथा रूपी गंगा स्वयं वृंदावन से बहते बहते आपकी कॉलोनी में आ गई। आप अपना घर में बैठ बैठ करके कथा की गंगा में आप लोग स्नान कर लिया, मतलब है आप लोग बड़े ही पुण्य आत्मा है। कहते करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य उदय होने पर कभी ये भागवत कथा दलदलों में सुनने को मिलती है। एक बार भागवत की जय कर दो, श्रीमद भागवत कथा मृता थोड़ी जय भगवान का जय जय है, बल्कि जो ठाकुर का जितने जोर से जय देते हैं उसका उतना पाप नष्ट हो जाता है, और उतना ही आपका जयकार होगा। ठाकुर का जयकार है ही, जोर से बोलो श्रीमद् भागवत कथामृतम् की जय। यहाँ पर श्री शंकर जी ये भागवत कथा की महिमा ये पार्वती को बोल रहे हैं। बोले पार्वती जगत में सब चीज बड़ी सुलभ है, लेकिन पार्वती जगत में एक चीज बड़ा दुर्लभ है। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? देखो कोई एरिगेंट व्यक्ति कोई बात को बोले ना, हम उसका कोई महत्व नहीं देते, लेकिन कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे मोदी अगर कोई बात को बोले ना, भैया मोदी बोल रहा है जरूर उसमें कुछ दम है। इसलिए यहाँ पर स्वयं शंकर जी, शंकर जी सत्यम शिवम, ये शंकर जी पार्वती को कह रहे हैं। बोले पार्वती कौन है? ये जगदम्बा जगत जननी माँ देवी है। शंकर जी माता देवी को ये सत्संग की भागवत कथा की महिमा कहते हैं। बोले क्या कहते हैं? बोले सत्संग दिया, भैया भागवत कथा हुई आओ कथा सुनने के लिए।
आप बता रहे हो सप्त संगति दुर्लभ संसार, बोले हाँ तो सुलभ हो गया। लेकिन शंकर जी कहते पार्वती ये तो निमंत्रण तो देंगे ही, लेकिन आप तो यही सरा अति कठिनाई राम कृपा बिनु आए नहीं। ये तो सबको निमंत्रण देंगे कथा सुनने के लिए आओ, कथा सुनने के लिए आओ, लेकिन पार्वती आप तो यही सरा अति कठिनाई, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आया। अगर किसको पता चले यहाँ सालमान आएगा, किसको पता चले सलमान खान आएगा, किसको पता चले ऐश्वर्य राय अमिताभ बच्चन आ रहा है, आप बताओ ये कॉलोनी में खड़े होने की जगह मिली, आप बताओ यहाँ पर ये खड़े होने के लिए आपको यहाँ की जगह मिलेगी। केवल पता चलते ही पता नहीं कितने दूर दूर से, कॉलोनी का व्यक्ति को बाहर तक छोड़ दो, कितने दूर दूर से कितने लोग आकर के यहाँ पर एक टिकट भी बना होगा ना, टिकट भी साथ मिलेगा, टिकट भी नहीं मिलेगा। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती आप तो यही सरा अति कठिनाई, किसको बोलो भागवत कथा भगवान कथा में आओ, पता नहीं कितने बहाना वाली बनाएंगे। पति बोलेगा देवी तू चला जा, मैं अपना काम निपटा करके आ जाऊंगा। बोले काम क्या निपटा, खुद निपट जाओ तो कहीं किसका काम अभी निपटा है, दुनिया में कोई अभी काम निपटा पाए थे। बोले खुद निपट जाते लेकिन काम कभी नहीं निपटेगा। तब पार्वती कहती है बोले प्रभु फिर ये सत्संग में कौन कौन आते हैं, ये सत्संग में और ये भागवत कथा में कौन कौन आ पाते हैं। शंकर जी कहते हैं बोले अति हरि कृपा जा पर हो अति हरि कृपा जा पर हो अति हरि कृपा जा पर हो अति हरि कृपा जा पर मतलब है अभी जिनको ये संसार का दुख कष्ट जिसको उठाना ही नहीं, संसार का दुख कष्ट उसको और नहीं उठाना है, संसार का सारे दुख कष्ट उसकी समाप्त हो, भगवान के धाम में जाने का समय हो गया, भगवान के ठाकुर के पास में जो जाने वाले। शंकर जी कहते पार्वती पाप देही संगत सोई, तभी ये भागवत कथा में, भगवत कथा में तभी उसकी रुचि जन्मती है, नहीं तो नहीं जन्मती। आप लोग हनुमान का नाम जानते हो, जब हनुमान जी माता सीता को भैया सीता कहाँ पर है, अभी सर्वत्र ढूंढ रहे हैं माता सीता कहाँ, माता सीता कहाँ। हठात उन्होंने एक तुलसा की बाग उन्होंने देख लिया, बोले भैया लंकापुरी में जहाँ पर रावण राक्षस रहता है यहाँ पर ये तुलसी की बगीचा कैसे आ गई, ये तुलसी की बाग कैसे आ गई, ये तुलसी की बात तो किसी भक्तों के घर में होता है। देखो हनुमान जी कहते हैं घर में जरूर तुलसी की बगीचा रखा है, अगर तुलसी की बात होगी ना तो हनुमान जी सबसे पहले आपका घर में श्री हनुमान जी आ जाएंगे। किसको किसको घर में तुलसी की पौधा है, जिसको घर में है बहुत अच्छी बात है, और जिसके घर में नहीं होगा जरूर आप लोग तुलसी की पौधा जरूर लगाया करो, क्योंकि जहाँ पर तुलसी वृक्ष है ना वहीं पर श्री बांके बिहारी रहते हैं। चलो भाग्य भी आगे वृंदावन मतलब क्या, वृंदावन वृंदा मतलब होता है तुलसी, और वन मतलब जहाँ तुलसी की वन है वो श्री वृंदावन। अगर जिसको घर में तुलसी की वृक्ष है ना उसको घर में श्री भाग्य बिहारी जी की निवास उसको घर में, और तुलसी लक्ष्मी है, तुलसी लक्ष्मी
है, जिसको घर में जितने सुंदर तुलसी पौधा होगी ना, उसका हृदय में उतना भक्ति भावना बढ़ेगी और मां लक्ष्मी की भी उसकी पर बड़ी कृपा होगी। अब देखना किसी किसी घर में तुलसी पौधा ही नहीं रहता, ये अच्छी बात नहीं है। जिसको घर में जितने परंपरा है तुलसी वृक्ष होगी, अब देखना सालग्राम के साथ में तुलसी के शादी होगी, देखेगी नहीं, क्योंकि तुलसी मां लक्ष्मी स्वयं तुलसी देवी। इसलिए हनुमान जी वो तुलसी वृक्ष को देख कर हनुमान जी वहां पर उतरे। जो उतरे हठात उन्होंने देखा घर को सामने लिखा हुआ श्री राम, लिखिया ये रावणपुरी में मेरे प्रभु राम का नाम लिखने वाले कौन है, मेरे घर यहाँ पर राम, इसका इतना हिम्मत प्रभु राम की नाम लिख दे। फिर देखा शंख चक्र गदा पद्म है, ये चिन्हों को देख कर वो समझ गए ये किसी भक्तों का घर है। देखो हनुमान जी शिक्षा देते ही घर के सामने तुलसी की पौधा होनी चाहिए और घर के सामने किसका नाम लिखा हो, ऐसे नहीं लिख दो कुत्ते से सावधान, ये सब चीज गलती चीज है, ये सब चीज को नहीं लिखनी चाहिए। घर का नाम अपना नाम पर मत रखा करो, घर का नाम श्री ठाकुर का नाम है, राधा कृष्ण निकुंज राम भगवान का मालिक तो सचमुच से ठाकुर जी है, हम तो दो दिन का किराया है, इसलिए उन्होंने श्री राम का नाम लिखा हुआ, समझ गए भैया ये जरूर कोई भगवान की ये भक्त रहता है। देखो और एक चीज को सिखा देते हैं, यह शिक्षा लेकर ले जाओ। अभी प्रश्न है ये रावण का राज्य में ये विभीषण का इतना हिम्मत कैसे हो गया, श्री राम का नाम लिखना कैसे हिम्मत हो गया। बोले एक समय किसी ने रावण को चुगली कर दिया, बोले रावण तू तो राम का शत्रु, राम को शत्रु मानते हो, बोले हाँ, बोले तेरे घर में राम का सबसे बड़ा भक्त तो तेरे घर में बैठा हुआ है, बोले कौन, बोले तेरे सगे भैया, बोले तेरे को पता कैसे चला, बोले जा कर देख उसका घर में क्या लिखा हुआ, घर को सामने क्या लिखा हुआ देख। अभी रावण भागते भागते आया, भागते भागते आया तो देखा सचमुच से लिखा हुआ श्री राम। रावण ने बोला विभीषण ये बताओ तू मेरे शत्रु का नाम कैसे लिख दिया है, बोले कहां पर, बोले ये क्या लिखा श्री राम। देखो विभीषण अच्छी शिक्षा देते हैं, बोले कहां श्री राम का नाम, बोले ये क्या है, बोले मैं तो अपना भाभी भैया को ज्यादा प्रेम करता हूं ना, इसलिए तो उनका नाम लिखा, बोले कैसे, बोले बताओ आपका नाम क्या है, बोले रावण, बोले रावण का पहला अक्षर क्या है, बोलो पहला अक्षर क्या है राम, उनका पत्नी का नाम क्या है, उसका पहला अक्षर क्या है, बोले क्या हो गया श्री राम, मतलब श्री राम, रावण और मंदोदरी बस रावण तो खुश हो गया। रावण तो देखो इसका मतलब है, देखो ये दुनिया ऐसी दुनिया है, अगर बेटा अगर शराब पीना कोई कुछ बोलेगा नहीं, अगर कोई उल्टा पुलटा जुआ खेले उल्टा पुलटा कहीं कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन आप थोड़ी सी प्रभु का भजन करना शुरू कर दो, गीता रामायण पूरा भगवान की भक्ति करना शुरू कर दो ना, सारा दुनिया तुम्हारे विरोध हो जाए, कंठी तिलक ये सब क्या लगा लो बच्चा, अगर शराब पिए भले एक उम्र है लेकिन भक्ति करे बोले ये कोई उम्र है भक्ति करते ना, इसलिए इस जगत में विचित्र जगत है। वीरा का नाम सुने हो, कौन कौन वीरा का नाम सुने हो, देखो जब उन्होंने प्रभु की भक्ति की उसका जेठ नाना सास ससुर यहाँ तक भी गांव के कुत्ता भी उसको पीछा नहीं छोड़ा, उसको पिता नहीं छोड़ा, लेकिन वीरा ने अपना घर का लक्ष्य उसने नहीं छोड़ा। अभी देखो दुनिया में किसका नाम हो रहा है, दुनिया में किसके नाम हो रही है, वीरा के नाम हो रही है। इसलिए शिक्षा देते भैया भले ही जितने बाधा विपत्ति आए ना, भगवान के भजन कभी छोड़ना नहीं, ठाकुर जी की दुनिया छूट जाए उनकी भक्ति कभी जीवन में नहीं छूटनी चाहिए। और भक्ति कर तो विभीषण से शिक्षा लाभ करो, हैं भले ही दूसरों को ऊपर से ठक्कर भी क्यों नहीं हो, लेकिन अपना भक्ति कर लेनी चाहिए। इसलिए जब श्री हनुमान जिसको साथ में विभीषण के साक्षात्कार हुए, जब विभीषण को पता चला ये हनुमान बलि राम के सबसे प्यारे भक्त श्री हनुमत लाल जी, जब उनको ये बात पता चला ना, विभीषण यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कहता है, बोले आज मैं भाग भरोसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा बिना मिले ही नहीं संता, जो रघुबीर मई अनुग्रह किनी
इसका मतलब है जीवन में जब सत्संग मिल जाए, जीवन में जब भगवान के किसी भक्तों का दर्शन मिल जाए ना, क्या समझो हमारी संसार की सारे बंधन हमारी समाप्त हो गई, संसार का सारे दुख कष्ट हमारी समाप्त हो गई। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती अति हरि कृपा जा परम होए, अति हरि कृपा जा परम होए, पाप रे सुनने का हमें मौका मिला। इसलिए जिस समय से चतुर्सर भागवत कथा हरिद्वार में सुनाने जा रहे थे, उसी समय में स्वर्ग से देवता लोग भी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के स्वर्ग लोग से उन्होंने पुष्पों की बौछार की और ये श्रीमद् भागवत कथा की जयकार लगाए, शंख बजाए, दुंदुभि बजाए और उन्हें नागड़ा बजाए और ये भागवत की जयकार कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है जहां पर ये श्रीमद् भागवत कथा होना, जिस कलन में ये श्रीमद् भागवत कथा हो, देवता लोग भी प्रसन्न होकर के उच्चार और स्वर्ग लोग से भी जयकार करते हैं कि देखो अहो भाग्य है आज यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। बस श्रीमद् भागवत कथा मृता की जय। जोर से बोलो श्रीमद् भागवत कथा मृता की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री श्री कथ। आज से हम लोग ये श्रीमद् भागवत कथा करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रश्न होता है जैसे हम 7 दिन तक 2-2, 3-3 घंटा कथा सुनते हैं, कोई कोई प्रश्न करेंगे बोले भैया ये समय अगर हम और कहीं देते तो हमें कुछ लाभ होता, कुछ फायदा होता, तो कथा सुनकर हमें क्या लाभ मिलेगा। हम कलयुग का जीव है ना, सबसे पहले फायदा होना चाहिए, अगर फायदा से कोई काम हम नहीं करते, कलयुग का जीव है। प्रश्न है पर हमें क्या फायदा मिलेगा ये 7 दिन तक कथा सुनने का। इसलिए भागवत में राधा रानी स्वयं कहती है जो भागवत कथा जो सुनेगा उसको 7 फायदा मिलेगा। कितना मिलेगा? और आज मैं बताऊंगा ये कथा सुनने का क्या फल है और मैं कल आपसे सुनूंगा ये भागवत कथा सुनने से क्या होता है। ठीक है, अगर मेरे को जो बोल पाएगा ना मैं उसको इनाम दूंगा। ये 7 फायदा क्या है जो मेरे को जो 2-3 के बोले फायदा बोल देगा मैं कल उसका बढ़िया इनाम दूंगा। ये कथा सुनने का क्या लाभ है? यदि ये बात कौन कह रही है? राधा रानी स्वयं कह रही है। कब? जब प्रभु रासलीला कर रहे थे, रासलीला करते करते अभी गोपियों के अंदर में सौभाग्य मद हो गया। सौभाग्य मतलब क्या है? जो एक आंख में काजल पहन कर आई थी ठाकुर जी बांके बिहारी, उसको दुखी दूसरे आंख में काजल पहना दिया। जो आधा साड़ी पहन करके आए थे ठाकुर जी, उसको पूरा साड़ी पहना दिया। जो गले की करधन हार को पैर में और पैर के नुपुर गले में पहन लिया था ठाकुर जी सही सही श्रृंगार करते। अगर कभी रास करते करते अगर कोई थक जाती थी, कृष्ण कहते थे गोपिया थक गई हो थोड़ा चरना दबा दो। जब पसीना बह रहा था कृष्णा बांके बिहारी अपना दोपटा से उसको पसीना पोंछ रहे थे। देखो माताओं में एक दोष भी है, क्या कहते पति अगर बहुत जिसको प्रेम करती है ना फिर पत्नियां उसका सर पर चढ़ गई। अभी तो इनके अंदर में बड़ी अभिमान हो गया क्योंकि गोपियां ये देख रही थी कृष्ण केवल हमारे पास में,
उनको ये नहीं दिख रहा था कृष्णा हर गोपी हर कृष्णा एक गोपी एक कृष्णा, उनको ये नहीं दिख रहा था, उनको दिख रहा था कृष्ण केवल हमारे पास में। और उनको लगा जगत में सबसे बड़ी अगर कोई सौभाग्यवती हम ही है, क्योंकि कृष्णा हमें इतना प्यार कर रहे हैं, पसीना पोंछ रहे हैं तो प्यार क्या दबा दूं, साड़ी पहना रहे हैं, हम जगत में सबसे बड़े सौभाग्यवती हम हैं। इधर क्या हो गया, अभी राधा रानी की हो गई मान, बोले क्यों मान हो गया, लेकिन केवल राधा कृष्णा मेरे पास में जो है और कृष्णा हर गोपियों के पास में एक एक रूप में हर गोपियों के पास में, केवल ऐसे राधा रानी देख रहे थे। अभी राधा रानी के अंदर में हो गई मान, बोले मान क्यों हो गई, बोले क्या मैं हर गोपियों के साथ में भी बराबर हूँ, आप सबको साथ में भी और कृष्णा मेरे साथ में भी, लेकिन मैं जो राधा रानी हूँ, राधा मतलब क्या है, जो कृष्णा कृष्णा को जो विशेष पूर्वक जो आराधना करती है, जो सेवा करती है, वो आराधना से ये बनी राधा। अब राधा शब्द को उल्टा दो, बताओ क्या होगा, जोर से बोलो, इसलिए वो राधा रानी नहीं, कहती है कृष्ण प्रेम रसती है श्री धारा श्री राधा रानी। इसलिए आप वृंदावन गए हो, कौन कौन वृंदावन गए हो, सबके सब गए हो। अब देखना वृंदावन में कोई भी कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, कोई कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जोर से बोलो, और जोर से, वृंदावन में सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं, हैं? बोले वृंदावन में राधा रानी का नाम क्यों लेते हैं, वहां कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं बोलते, राधे राधे क्यों बोलते हैं, ये कृष्ण स्वयं कहते हैं, बोले रा शब्द कुर्बन तस्मा ददामि भक्ति उत्तमम धा शब्द कुर्ब पश्चात धा विश्रवण लोभा। कृष्ण कहते हैं अगर किसी ने केवल रा कर बोल दिया ना, अभी रा कर को सुनकर के मैं चिंता में पड़ जाता हूँ, भैया इसको मैं क्या दूं, क्योंकि मेरी लादिनी शक्ति पराशक्ति से राधा की का मैंने रा कर बोल दिया, अगर कोई केवल रा बोल दिया ना, मैंने खुद को खुद उसको दे देता हूँ, भैया आज से मैं तेरा ही हो गया। अगर कोई धा बोल दे, रा और धा अगर दो अक्षर बोल दे, कृष्ण कहते हैं ये दो अक्षर सुनने के लिए मैं उसको पीछे पीछे भागने लगता हूँ। इसलिए ब्रज में भजन है, बोले राधे 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 आएंगे बिहारी, राधे 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 जब पहुंचे आएंगे बिहारी, राधे राधे आएंगे बिहारी, राधे राधे जब पहुंचे बिहारी, आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी Thank you.
सारी जो कथा है ना, ये जीव को अमरत्व प्रदान करती है। इसलिए भागवत कथा शंकर सर्वप्रथम माता पार्वती को ये अमरनाथ में कथा सुनाए, इसलिए ये कथा का एक नाम अमर कथा है। अब लोग कोई गए हो अमरनाथ? कौन कौन अमरनाथ है? एक माता जी और कौन? दो। और कौन गए? और कौन गए अमरनाथ? और कोई गए? आप बताओ कौन जाना चाहते, बताओ सब तो लेते हैं। हाथ उठा कौन कौन जाना चाहते अमरनाथ? अभी भी वो स्थान है शंकर जी माता पार्वती को जहाँ बैठा करके उन्होंने ये अमर कथा सुनाई थी, इसलिए उसका नाम ये अमर कथा है। बोले शंकर जी पार्वती को क्यों ये अमर कथा सुनाए, इसका क्या रहस्य है? बोले एक समय श्री नारद जी भ्रमण करते करते पहुंचे कैलाश में। उसी समय शंकर जी गए थे सत्संग में और वहां पर घर में माँ पार्वती थी अकेले। जब नारद जी पहुंचे माता जी को बोले, बोले माता जी सब ठीक ठाक है, कुशल मंगल है कि नहीं? बोले बेटा तुम्हारी आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। इतने में नारद जी ये भागवत को प्रकाश करना चाहते थे। इतने में नारद जी ने कहा, देखो माता जी आपको बाद में सोच करके मेरे को बहुत कष्ट होगा। नारद जी बोले क्यों, क्या बात है? हमको ठीक ठाक बोले बोल करके किया होगा, छोड़ो बात को क्या बोल करो। अगर माता जी माता को अगर सुना दो ना, फिर तेरी पेट में नहीं बचती, जब तक पूरी वो बात को सुन नहीं देती रहेगी। बोले तो मैं तो कुछ लगती नहीं, मेरे को क्यों बोलोगे? अभी तो मैया पार्वती पीछे पड़ी थी। बोली बताओ तुम क्या बताना चाहते हो? बोल कर क्या होगा, छोड़ो ना, लेकिन मेरे को सोच करके आपका विषय में बड़ा तकलीफ होता है। इतने में तो माता पार्वती तो पीछे पड़ गई, पीछे पड़े बताना पड़ेगा, बताओ क्या बात है? बोले आपको पता है शंकर जी की और भी कहीं की शादी है, शंकर जी ने और भी कहीं शादी की आपको पता है? देखो माता लोग हर चीज को हजम कर सकती है, सहन कर सकती है, लेकिन अगर उनको पता चले मेरे पति और भी किसको प्रेम करते हैं, ये चीज को कभी पत्नियां हजम नहीं कर सकती हैं, हर चीज को हजम कर सकती है। इतने में बोले क्या बोल रहे हो? सच? बोले हाँ सच है। बोले इसका प्रमाण किया? बोले शंकर जी आज आए ना, उनको पूछ ले, वो शंकर ही बता देंगे। बोले क्या पूछना पड़ेगा? बोले उनको इतना ही पूछना, आपके गले में ये मुंडे की माला किसकी? बात सब सब पता चल जाएगा आपको। नारद जी को उन्होंने भड़का दिया और भड़का करके उन्होंने अपना वीणा उठाए और नारद जी भाग गए। जब भाग गए उस समय शंकर जी आए, रास्ता में मिल गए। कहाँ जा रहे हो? बोले आज मैं बहुत बिजी हूँ, आज रुक नहीं सकता। वो समझ गए कुछ दाल में कुछ काला है। बोले देखो माता जी एक काम करियो, आप जाकर के मान भवन में एकदम महिला वस्त्र पहन करके सो जाना, तभी पूछना जब शंकर जी को तीन बार कसम खा कर खिला करके। जब शंकर जी घर में आए, रोज माता पार्वती शंकर जी की चरण वंदना करती थी, उनका आरती उतारा करती थी, पास में बैठा करके गर्म गर्म रोटी खिलाती थी और पंखा झुलाया करती थी। लेकिन आज जब आए ना, देखा कोई भी स्वागत करने के लिए कोई भी। बोले भैया माता जी कहाँ गई? बोले पता नहीं, नारद जी आए थे कुछ बोले तो तभी से माता पार्वती मान भवन में चली गई। तो समझ गए ये तो कुछ ना कुछ लड़ाई करके करा के गई। नारद जी पहुंचे, पार्वती के ऊपर हाथ रख दे ना, पार्वती हाथ को फेंक दी। बोले भैया क्या बात है? बोले प्रभु पहले तो मैं सोच रही थी आप तो भोले बाबा है, अभी तो मेरे को पता चल रहा है आप भोले नहीं, आप तो कपटी बाबा। बोले मतलब क्या? बोले मतलब क्या आप बताओ, आपको गले में ये मुंडे की माला किसकी है? मैंने सुना आप और किसको भी शादी करके रखो, ये बात अभी तक मेरे से बताएंगे, ये बात आपने छुपा के रखी, बताओ ये गले में मुंडे की माला किसकी है? बोले पार्वती मैंने शादी तो किया है लेकिन तेरे को ही ने किया है और किसी को नहीं किया। बोले कैसे? बोले जो मुंडे की माला है ना, पूर्व जन्म में तुमने सती थी, तेरे पिता ने कभी मेरे को अपमान की है, इसलिए तुमने मेरे जीवन में कंठल में तुमने शरीर त्याग दिया। बोले एक जन्म नहीं, तुम कितने जन्मों से तुम शरीर त्याग करती हो, लेकिन तुम मेरी बड़ी प्यारी हो, जब मैं कथा सुनाता हूँ बड़े ध्यान से तू कथा सुनती हो, इसलिए जब जब तू शरीर छोड़ती हो तब तक मैंने तेरे सर को मैंने माला करके ये गले में पहन रखा है,
ये और किसकी माला नहीं, ये तेरी है। शादी तो किया है लेकिन तेरे कोई शादी नहीं, जन्म जन्मांतर में तू मेरी पत्नी हो। पार्वती बोली, प्रभु मैं तो सोच रहा था आप कोई छोटी मोटी कपटी हो, पता चला आप बहुत बड़े कपटी निकले। बोले क्यों? बोले ये बताओ, ऐसे कौन सा अमर बोटी को आपने पान कर लिया, अब मर ही नहीं रहे, हमें मरती जा रही, फिर आप कपटी नहीं हुए। देखो शंकर जी कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। बोले पार्वती, जब से मैंने ये श्रीमद भागवत कथा रूपी अमर बोटी को मैंने पान किया, तभी से मैंने अमरत्व तो प्राप्त की। पार्वती कहेंगे, प्रभु आप मेरे को भी अमर कथा सुना दो, हमें मरती जा रही हूँ, आप मर ही नहीं रहे हो, फिर हम दोनों अमर बन करके रहेंगे, फिर दोनों आनंद पूर्वक रहेंगे, मैं मरती जा रही हूँ, आप मर नहीं रहे। बोले पार्वती, ये कथा को सब नहीं सुन सकते। बोले कौन सुन सकता है? बोले जिनकी श्रद्धा और भक्ति, जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म की पुण्य होगा ना पार्वती, वही बैठ कर कथा सुनेगी। देखो यहाँ बैठ के ना खुजली बजना शुरू हो जाएगी। आप देखना टीवी में सीरियल आती है, उल्टा पुल्टा सीरियल है, झूठ मूठ का सीरियल क्या है बताओ? ये टीवी में जो सिनेमा किया है, ये तो झूठा चीज है ना। ये झूठे चीज को इन्होंने एक रूपक बना दिया। देखना आग फाड़ फाड़ कर तीन तीन घंटा बैठ कर सुनेंगे, जिसमें सीधा डर का रास्ता खाली है। हाँ, एक लड़की को पीछे लड़का भाग रहे हैं, यहाँ पर पिता माता बच्चे सब बैठ कर आग फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, भैया निर्ला जी उसको हम तो तीन तीन घंटा बैठ कर देखे। लेकिन कथा में बैठने के लिए शंकर जी कहते, पार्वती कथा को सभी को नहीं स्वागत है, ये तो करोड़ों करोड़ों जन्म का जिसके पुण्य उदय हो पार्वती, तभी ये कथा में कोई बैठ सकती, नहीं तो कथा में बैठ नहीं सकती, वो खुजली मच जाएगी, उठो उठो कब उठो, उठा नहीं जा रहा। इसलिए शंकर जी कहते, पार्वती ये कथा सब नहीं सुन सकते। बोले मैं तो सुन सकती ना, नाम तो सुन सकते। बोले क्यों? बोले तुम श्रद्धा की मूर्ति हो, तुम श्रद्धा भक्ति की तुम मूर्तिमान, तुम कथा सुन सकती हो। बोले फिर सुना। बोले पार्वती ये कथा जहाँ था नहीं, नीचे कर रहे, ये कथा को जहाँ था नहीं सुनाया जाता है। बोले कहाँ सुनाओगे? बोले तेरे को थोड़ा काम कर दो, इसलिए चलो हम तुमको अमरनाथ लेकर के जाते हैं, वहीं पर बट वृक्ष के नीचे अभी भी वो स्थान, जो गए को देख करके आएंगे अभी भी वही स्थान है। बोले वहीं पर अकेले तुमको बैठा करके ये भागवत कथा मैं सुनाऊंगा। बोले पार्वती मैं आंख बंद करके कथा सुनाऊंगा, तुम हुंकार भरते रहना, मेरे को पता चले कथा को ही सुन रहे हैं। बोले ठीक है पार्वती। बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की, जोर से बोलो। बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की, शंकर जी भागवत कथा सुनाना शुरू किया। प्रथम स्कंध, द्वितीय स्कंध, तृतीय स्कंध, ऐसे करते करते उन्होंने दशम स्कंध तक कथा सुनाई। जो एकादश और द्वादश स्कंध है, ये मुक्ति, मुक्ति मतलब संसार से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, ठाकुर जी को पास में हम कैसे पहुंचेंगे। जब उन्होंने ज्ञान की बात वर्णना करना शुरू की ना, मैया पार्वती के झपकिया है, मैया पार्वती ने सो गई। जब सो गई, हुंकार भरना बंद हो गया था, इतने में उसी वृक्ष के ऊपर में एक तोता बैठ कर की कथा सुन रहा था। तोता ने देखा माता जी तो सो गई, हुंकार भरना बंद हो गया, शंकर जी कथा को विश्राम दे देंगे, भैया कथा मेरी भी अधूरी रह जाए, हैं अधूरी रह जाएगी। इतने में तोता भी हुंकार भरने लग गए। बोले बड़ी प्यारी कथा, आगे की बात सुनाओ, उसको बाद में किया होगा, शंकर तो भोले बाबा है ना, शंकर तो सुनाते 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 जा रहे, सुनाते सुनाते जब कथा की विश्राम हो गई, फिर शंकर जी जयकार देते हैं, बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की। जब जयकार दिया ना, मैया पार्वती जो सो रही थी जग गई। देखो हम भी इसलिए बार बार जयकार देते हैं, क्योंकि जैसे इसको नींद नहीं आया। देखना ये दुनिया की कोई बात बोलो ना, विशेष कर किसी की चुगली हो, बाबा फिर तो देखो अगर नींद आए ना, नींद इस समय भाग जाएगा, लेकिन भगवान की कथा में नींद आ जाती है। जानते हो क्यों नींद आती है? इसका एक रहस्य बताए। बोले एक दिन जब महाराज बड़े दुखी होकर बैठ हुए थे, उनकी तीन बेटियां थी। बोले पिताजी क्या बात है, आप दुखी होकर क्यों बैठे हो? बोले क्या बताऊं, ये संत लोग आकर के सबको भगवान की बात में सुना सुना करती,
हैं, सभी का हृदय में भक्ति जगा देते हैं और वो भक्ति करते हुए सीधा वैकुंठ में जा रहे हैं। अभी तो धीरे धीरे मेरी नर्क खाली होते जा रहा है, बोले चिंता क्यों कर रहे हो, आपके तीन तीन बेटियां हैं ना, बताओ ना क्या करना पड़ेगा। बोले देख, छोटी बेटी को बोले तुम्हारे नाम है झिमझिमाई, अगर कहीं ये भागवत कथा हो, कोई कथा सुन के लिए बैठे ना, तुम सबसे पहले उसके सर पर बैठ जाओ। झिमझिमाई मतलब होता है आलसता आ जाना, जम्भा आने लग जाएगी। दूसरे बेटी का नाम है झुलझुलानी, दूसरे नंबर में तुम बैठ जाओगे, बात झुलझुलानी पूरा झुकने लग जाएगा और झुमने लग जाएगी। तीसरे नंबर में सुलसुला, जब तुम बैठ जाओगे ना, ये बुरा भी बुरा ये सो जाएगी। इसलिए जहाँ कथा होना, इनकी तीन बेटियां बड़ी जोर जबरदस्ती काम करती है, इसलिए आप लोग भी इनसे सावधान रहे। इसलिए हम भी बीच बीच में जयकार इसलिए देते हैं, आप लोगों का को अंदर में आलसता नहीं आ जाए। इसलिए शंकर जी बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब उन्होंने जयकार दिया, मैया पार्वती तो सोरे की जग गई। बोले उसको बाद में क्या हुआ, बोले किसको बाद में, उसको बाद में, बोले कथा तो विश्राम हो गया। बोले मैं तो बीच में सो गई थी, बोले सो गई थी, हुंकार भर रही थी। बोले नहीं नहीं हुंकार भरी नहीं। शंकर जी ने देखा, अगर कोई अनधिकारी दुष्ट व्यक्ति अगर ये कथा सुन लेगा, ये अमर बन जाएगा। क्यों, ये कथा अमर कथा है, अमर बन जाए फिर जगत के लिए हानिकारक है। इसका तात्पर्य जो कहते हैं भैया, भागवत कथा में कौन बैठ सकते हैं, पुण्य आत्मा ही बैठ सकते हैं, दुष्ट लोग कथा में बैठ नहीं सकते। ये शंकर ये चीज सिखा देते हैं, हैं? इसलिए शंकर जी ने देखा, सुनी तो सुनी, किसने देखा है कि तोता बैठ करके सुन रहा है। शंकर जी उठाया त्रिशूल और उसको पीछा किया और वो तोता उड़ते जाए, शंकर जी पीछा नहीं छोड़ रहे थे। करते करते जब पहुंचे बद्रीनाथ में, वहां पर व्यास देव अपना पत्नी को भी यही भागवत कथा सुना रहे थे, मुंह खोल करके कथा सुन रहे थी। इतने में ये सुखदेव गोस्वामी तोता रूप में जो थे, इन्होंने सूक्ष्म रूप धारण करते हुए उनकी गर्भ में प्रवेश कर गए। जब वहां पर शंकर ये पहुंचे, बोले तोता गायब हो गया। व्यास देव जी ने पूछा, आप कहां से हफ्ते हफ्ते आ रहे हो? बोले बड़ा अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले एक अनधिकारी तोता ने ये कथा सुनी है। बोले ये कथा क्या है? बोले अमर कथा। बोले अमर कथा का मतलब क्या? बोले जो कथा सुनेगा वो मरेगा नहीं। बोले सचमुच से आप भोले ही हो, आप स्वयं कहते हो ये अमर कथा, जो सुनेगा वो मरेगा नहीं। ये तोता ने कथा सुनी कि नहीं? बोले हाँ सुन ली। बोले जब तोता ने कथा सुन ली, फिर उसको मारने के लिए आप पीछा कैसे कर रहे हो? बोले भैया तो ये बात नहीं भैया नहीं था, मैं तो भूल गया था, भोले है ना, मैं तो भूल गया था। फिर शंकर जी ध्यान लगाए, अगर ये तोता कोई साधारण होता है ना, कभी भी ये भागवत में बैठ करके कथा नहीं सुन सकता था। जरूर ये करोड़ करोड़ जन्म का इसका कोई पुण्य होगा, तभी कोई कथा सुना। शंकर जी ध्यानस्थ हुए, ध्यानस्थ होकर उन्होंने सब कुछ देख लिया। क्या देख लिया? ये तोता कौन है? बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना एकांत कननरहस्य पाटी निकुंज प्रसाद सदा निवास। देखा जो तोता है, ये राधा रानी की निकुंज महल में रहता था। राधा रानी कभी कभी इनको अपना हाथ में बैठा करके अनार के दाना खिलाया करती थी। बोलती थी बोलो तो कृष्ण कृष्ण, वो तोता भी कृष्ण कृष्ण बोलता था। कृष्ण भी कभी हाथ में बैठा करके बड़े प्यार करते थे, उसको राधा जी का नाम सुनाया करते थे। बोलो तो राधे राधे, तोता भी राधे राधे बोलता था, हैं? और कभी कभी राधा रानी ये तोते को कृष्ण स्वरूप जान करके कभी उनको चुमते थे। राधा रानी के जो अधरामृत ये तोता के ठोंट में लगा हुआ है, इसलिए हम आगे जाकर के सुनेंगे। जब श्री 88,000 ऋषि जहां पर बैठे हुए, किसका उम्र 100 साल, 2 साल, 5 साल, 1,000 साल की, इतने बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे हुए थे, लेकिन जब कथा सुने ना, सबसे छोटा बालक नंगे धड़ंगे
श्री सुखदेव गोस्वामी से ही उन्होंने कथा सुने। बोले कारण है ये राधा रानी की ये पालता सुख है, ये कोई साधारण तोता नहीं। इसलिए शंकर जी जब ध्यानस्थ हो गए तो उन्होंने सब कुछ उन्होंने दर्शन किया। क्या दर्शन किया? जब इसी जगत भगवान राम जाते समय पूरा अयोध्या पूरा श्री अयोध्या वासियों को लेकर गए, लेकिन केवल श्री हनुमान को छोड़ कर गए। बोले क्यों? बोले अगर तुम चले जाओगे ना, ये भविष्य में राम भक्ति को कौन प्रचार और प्रसार करेगा? जैसे श्री हनुमान को छोड़ कर गए, उसी तरह ठाकुर जी जब ये संसार से गए, ये तोते को छोड़ कर गए। अरे यही तोता ही कृष्ण विरह में भटकते भटकते जब उसने कैलाश में बद्रीनाथ में पहुंचा, जब देखा श्री व्यास देव जी कथा सुना रहे हैं, शंकर जी कथा सुना रहे हैं, फिर यही कथा को सुन करके व्यास देव का पत्नी के गर्भ में प्रवेश किया, फिर वही श्री सुखदेव गोस्वामी बन करके आएंगे और जगत में ये भागवत कथा प्रचार करेंगे। इसलिए इस सब चीज को शंकर जी दर्शन करके समझ गए, इनको कथा सुनाना धन्य हो गया। यही श्री सुखदेव गोस्वामी रूप में सर्वत्र हरि भक्ति को प्रचार करेगा। शंकर जी प्रसन्न हो गए, कथा सुनाना सार्थकता हो गया और शंकर जी चले गए। देखो ये कथा ये शंकर जी स्वयं कहते हैं, पार्वती जब से मैंने ये भागवत कथा सुनी है तब से मैंने ये अमरत्व को प्राप्त की। जब शंकर जी पार्वती को फिर यही अमर कथा अमरनाथ में सुनाए, फिर माता पार्वती ये कथा सुनकर के अमरत्व की प्राप्ति की। लेकिन उसको पहले माता पार्वती भी शरीर छोड़ दी थी। शंकर स्वयं कहते हैं ये कथा सुन करके हम सबके सब अमरत्व हुए। और देखो जगत में जो जो लोग अमरत्व हुए ना, कौन कौन अमरत्व हुए? मीरा अमर बन गए, हनुमान जी बन गए, तुलसीदास जी बन गए, धुबा प्रहलाद अमर बन गए। बोले क्यों? भगवान की कथाओं को श्रवण किया। इसलिए राधा रानी कहती हैं ये कथा को जो सुनेगा ना, उसका पहला फल है। क्या फल है? पहला फल उसको अमरत्व की प्राप्ति हो, ये पहला फल है। बोले दूसरा फल क्या है? उसका सात लाभ है ना। पहला लाभ क्या है? बोलो पहला फल क्या है कथा सुनने का? अमर बनेगा। के दूसरा फल क्या है कथा सुनने का? बोले तप कथा अमृतम तप्त जीवनम। यदि ये संसार में हम सबके सब दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई पैसा से दुखी, दुखी दुखी है कि नहीं? इसलिए जिसने ये दुनिया बनाया ना, कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कि संसार क्या है? दुखालय, ये दुख का घर है। लेकिन यहाँ पर राधा रानी कहती है समाप्त हो जाएगा। बोले कैसे? बोले जब कथा सुना। देखो ये चीज को प्रमाण पर ये चीज को अनुभूति करो। आप बताओ कितना समय से यहाँ पर कथा में बैठे हो? कितना समय हो गया? बोलो कितना समय हो गया? कितना समय हो गया? 45 मिनट हो गया। देखो ये चीज अनुभूति करो, जब से हमने ये कथा में बैठे हैं तब से आपको कोई संसार का दुख कोई याद है? आपको कोई संसार का दुख आपको याद है? सबको भूल करके बैठे हुए हो। कहते जो कथा में बैठते हैं वो ठाकुर की गोद में बैठते हैं, ठाकुर की गोद में बैठे हुए। इसलिए जब तक आप कथा में बैठे हुए ना, दुनिया की सारे दुख को भूल कर बैठोगे। लेकिन ये कथा से केवल गेट से बाहर आप निकलो, केवल ये गेट से बाहर निकलो, निकलते ही जितना दुनिया की जितने कष्ट है वो पहाड़ रूप में आकर सर में बैठ जाएंगे। घर में जाने पर ये होगा, घर में ये समस्या, घर में ये समस्या, घर में ये समस्या। लेकिन जब तक आप कथा में बैठोगे ना, देखो ये कितना बड़ी अनुभूति, जब तक कथा में बैठोगे संसार का सारे दुख को भूल गए। क्यों? कथा में नहीं ठाकुर जी की, आप गोद में ठाकुर जी को गोद में बैठे हो। इसलिए राधा रानी कहती है कथा सुनने का जो दूसरी लाभ है, तप्त जीवनम, तुम्हारे जो दुखमय जीवन है ये सारे दुखमय जीवन तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। इसलिए बोले तप्त जीवनम। बोले इसका तीसरा लाभ क्या है? बोले कभी भी ऋणितम। कभी कथा को बोलने वाले कौन है? बोले साधारण व्यक्ति नहीं। अभी अभी आप सुन रहे थे ना,
ये कथा को शंकर जी ने पार्वती को सुनाया, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को सुनाया, सुत गोस्वामी सौनका जी को सुनाया। सर्वप्रथम ये भागवत कथा भगवान कृष्ण स्वयं ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी रूप में दिया। ब्रह्मा जी अपना बेटा श्री नारद जी को दिया, नारद जी व्यास देव को दिया। इसलिए कहते भैया जिन जिनियों ने ये कथा सुनाई ना वो लोग भी जगत में अमर हो गए। इसलिए बोले कभी भी रीडम। और जो चौथा लाभ है बोले कलमसा अपम। क्या लाभ है बोले कलमसा अपम। कलमसा अपम मतलब होता है जब आप भगवान की कथा सुनोगे आपका जीवन का कलमसा मतलब होता है पाप। इस तुम्हारे जीवन का सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये दुख कष्ट का मूल कारण है हमारी प्रारब्ध है पूर्व जन्म में। लेकिन आप कथा सुना आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। आप लोगों ने वाल्मीकि का नाम सुने हो? कौन कौन वाल्मीकि का नाम जानते हो? हाथ उठा। आप बताइए वाल्मीकि कौन थे? हाँ भैया ने सही बताया। ये पहले जन्म में पहले ये दशरथ ना करता। इतने डाकू उसने डाला, इतने डाकू डाला उसने, ब्राह्मण की जन्म से कुआ बन गया। से मिले बोले बाबा निकालो क्या मालूम है? बोले भैया मैं तो संत हूँ, लोटे सोटे लंगूटे तीन चीजें। बोले जो कुछ हो निकाल। नारद जी ने कहा ये बताओ तुम ये पाप कर्म करके जो पैसा कमा रहे हो उसका कौन लेगा? बोले मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे पिता माता। बोले देख तुम्हारी ये भ्रम है, ये सबके सब सुख का समय तेरे साथ ले रहे, ये तेरे साथ कोई देने वाले नहीं, जा पूछ कर पता। पूछने के लिए गया, पत्नी से पूछा बोले ये पाप कर्म करके जो पैसा कमाता तू लगी कि नहीं? बोले क्यों? बोले घर का काम मेरी बाहर है तेरा। बच्चों से पूछा बोले आपका कर्तव्य हमको बड़ा बनाना, बड़े बनकर कैसे पैसा कमाएंगे फिर हम देखेंगे। पिता माता से पूछा बोले तुमको हमने लिखा पढ़ा सिखाया बड़ा तो हम क्यों लेंगे? सचमुच से कोई लेने के लिए तैयार है? आप सही बता रहे हैं, ये तो सबके सब सुख में कर रहे मदद कर रहे हैं, ये दुख में कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं। तो उन्हें बोले बताओ मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उन्होंने बोले बोलो राम, बोलो बोलो आप भी बोल दी रहे बोलो राम। कीर्तन का समय मिलेगा जब कीर्तन होगा, इसलिए बोलो राम। लेकिन उसको जो बोले बोलो राम है ना, लेकिन उसको मुंह से राम का नाम भी कर, उसका मुंह से राम का नाम भी नहीं निकला। क्यों? पापी है ना, पापियों के मुंह से तो प्रभु का नाम भी नहीं निकलता है, इसलिए उसका मुंह में ठाकुर का नाम ही नहीं निकला। बोले तू मारता था सबको? बोले हाँ। बोले बोलता था मरा मरा? बोले हाँ मरा मरा भी बोल सकता हूँ। आप लोगों को बोलो मरा मरा, बोलो जोर से, बोलते रहो जोर से, देना भरा भरा बोलो ना, अपने आप राम राम हो जाता है, अपने आप राम राम हो जाता है। इसलिए कहते उल्टा नाम जपते जगह जाना और वाल्मीकि कहे ब्रह्म समाना और नाम लेत भव सिंधु सुखाई विचार कर सुमन मन माही। ये वाल्मीकि जैसे दशरथ नाकर जैसे व्यक्ति केवल मरा मरा करते करते क्या हो गया? मरा मरा करते करते राम हो गए और रामायण जैसे ग्रंथ को उन्होंने लिख डाले जो कि हमारे सनातन धर्म के लिए ही अनमोल ग्रंथ श्री रामायण ग्रंथ है। बोले श्री सियावर रामचंद्र की, बोले श्री पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखो ठाकुर जी के नाम में कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति है। आप लोग ने कोई पेड़ लगाए हो? कौन कौन जीवन में पेड़ लगाए? हाथ उठा तो कौन कौन पेड़ लगाए? देखो गोस्वामी जी एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। देखना गेहूं का पेड़ हो नहीं तो धान का पेड़ हो, जब लगाते हैं ना खेती में कैसे लेकर फेंक देते, फेंक देते कि नहीं? लेकिन वो बीज उल्टा पड़े और सुलटा पड़े ना सीधा पड़े, लेकिन जब पेड़ होता है कैसे होता है? बोलो पेड़ कैसे होता है? सीधा होता है। भगवान के नाम में इतने शक्ति, उल्टा भी क्यों नाम लेंगे? किसी तरह से अगर प्रभु का नाम मुंह से निकल जाएगी ना, वाल्मीकि अगर दशरथनागर से वाल्मीकि बना सकता है, अगर हम ठाकुर का नाम किसी तरह से ले क्या हमारी कल्याण नहीं होगा?
सब पाप को नष्ट कर देगा। कितना लाभ हो गया बोलो, कितना लाभ हो गया? हम लोग कोई गिन नहीं रहे, कितना लाभ हुआ? कल जो बोलेगा ना मैं उसको एग्जाम दूंगा, इसलिए ध्यान रखना, कथा को सुनना और मेरे को कोशिश करना दो चार लाभ मेरे को बोल पाओगे ना इनाम दूंगा, ठीक है? कहते चौथा लाभ है कथा सुनने का, राधा रानी खुद कहती तुम्हारी पाप नष्ट हो जाएगी, जीवन में तुम्हें सुख और जीवन में शांति मिलेगी। उसका पंचमा लाभ ध्यान देकर सुनो, ये सबसे बड़ा लाभ है। उसका पंचमा लाभ है कहते श्रवण मंगल, जो कथा सुनेगा उसका मंगल मंगल ही होगा, उसका जीवन में मंगल मंगल होगा। जीवन का जितने अमंगल है सारे अमंगल तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। देखो एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ, ये वाल्मीकि जब रामायण ग्रंथों को लिख रहे थे, आपको पता नहीं ये कथा पता क्या होता है, अब भूल से कैसे बैठ गए, ये वाल्मीकि स्वयं कहते हैं राम कथा की महिमा। ये स्टोरी को मैं कल सुनूंगा आपसे, ठीक है? ये स्टोरी को ध्यान देकर सुनो, ये वाल्मीकि स्वयं कहते हैं रामायण लिखने से पहले पर एक समय के पृथ्वी पर में एक राजा थे जिनका नाम था सुमति, रानी का नाम था सत्यवती। लेकिन देश का राजा रानी होते हुए भी ये 26 घंटा में 26 घंटा अपना हाथों से अष्ट जाप ठाकुर को ठाकुर सबर उठाना, भोग लगाना, उनको श्रृंगार करना, उनको स्नान करना, अपना हाथों से ठाकुर के लिए फूलों की माला बनाना, मंदिर साफ करना, ये अष्ट जाप ठाकुर की ये सेवा ही सेवा करते थे। एक समय एक ऋषि थे जिनका नाम था विभान ऋषि। क्या नाम था? क्या नाम था? विभान ऋषि। एक दिन जब राजा दरबार में आए, राजा रानी की भक्ति देख करके उनको बड़ा आश्चर्य लगा, पर ये देश का राजा और रानी, अगर हमारे पास में ज्यादा पैसा हो जाए ना, भले अगर एक मंदिर को स्थापन कर दे, देखना वो अपना हाथों से कोई सेवा नहीं करेगा, घर में नौकर रख लेगा। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, यहाँ पर जो ठाकुर गोपाल किसके किसी घर में ठाकुर जी, हाथ उठाओ किसके किसके घर में ये ठाकुर जी है, आप लोगों का ठाकुर है ना। देखो ठाकुर को सेवा करने का कितने महत्व, सुनो ये स्वयं वाल्मीकि कहती है, इसलिए इन्होंने अष्टजाम ठाकुर जी की ये सेवा करते थे। अब ये ऋषि देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ गए, बोले देश का राजा रानी होते हुए भी अपना हाथों से ठाकुर जी की सेवा। तब राजा ने कहते ऋषि ने राजा को पूछ, बोले महाराज ये बताओ आपकी मति ये ठाकुर जी की सेवा में कैसे लगी है? राजा होते हुए भी 26 घंटा ठाकुर को सेवा क्यों कर रहे हो? राजा ने कहा बाबा संतों के पास में झूठ नहीं बोलनी चाहिए, मैं एक जाति स्वर हूं। जाति स्वर का मतलब होता है जिनकी पूर्व जन्म की बात जिनको याद रहे, बोले मेरे 4 जन्म की बात याद, बोले 4 जन्म की, बोले हाँ, बोले क्या बताओ, बोले 4 जन्म से पहले मेरा नाम था मालत, मैं बड़ा दुष्ट था, ऐसे कोई गंदा काम जो मैं नहीं किया है, मेरे परिवार दुखी होकर घर से मेरे को निकाल दिया। कहते मेरी जो पत्नी को देख रहे हो इसका नाम थी काली, इसने तो अपना पति को हत्या कर दी, इसकी परिवार ने इसको घर से निकाल दिया। अभी दोनों हम भ्रमण करते करते दोनों जंगल में जब मिले, देखा अकेला जीवन बीत नहीं रहा था, हम दोनों एक कटे रहने लग गए, अभी जानवर को मार करते जीविका निर्वाह करते थे। जब दोनों वृद्ध हो गए, अभी हमसे आहार संग्रह नहीं हो रहा है, बड़े कष्ट से हम अपना जीवन को बिता रहे थे। एक दिन क्या हुआ, हम दोनों ने देखा जहां पर रहते थे पास में था श्री वशिष्ठ जी का आश्रम। अभी जैसे नवरात्रि आया था ना, अब लोग नवरात्रि रखते थे, कौन कौन रखते थे? कहते ठीक नवरात्रि का समय में उसी समय प्रभु राम का जन्म तिथि आता है। वशिष्ठ आश्रम में देखा, जैसे हम लोग यहाँ पर इतने लोग बैठे हो, देखा कुछ लोगों को एकत्रित होते हुए, हम दोनों ने सोचा आज इतने लोग यहाँ पर क्यों हैं, चलो हम दोनों चलते हैं। जब वहां पर गए हम, यहाँ पर 9 दिन तक ये राम कथा होगी, और जो व्यक्ति ये राम कथा सुनने के लिए आएंगे, कथा के बाद में फिर प्रसाद की व्यवस्था। हम दोनों तो बड़े खुश हो, बोले भैया 9 दिन तक खाने पीने का कोई चिंता नहीं, चलो कथा में बैठेंगे और कथा के बाद में फिर हमें प्रसाद मिलेगा। केवल हमने 9 दिन तक राम कथा सुने और उसको बाद में प्रसाद पाए। जब दोनों की मृत्यु हो गई,
अब जब दूत पकड़ करके ले गए, जब महाराज चित्रगुप्त को बोले इसका कापी खोलो, कितने पाप और कितने पुण्य है। चित्रगुप्त ने कहा प्रभु इसका तो कोई पुण्य नहीं, ये दोनों तो बड़े दुष्ट है, ये दोनों का परिवार इसको घर से निकाल दिया था। बोले देखो थोड़ी बहुत तो पुण्य तो होगा, बोले केवल एक ही पुण्य है, ये दोनों राम नवमी का समय पर 9 दिन तक वशिष्ठ जी के आश्रम पर कथा सुने और कथा के बाद केवल प्रसाद पाए, केवल इतना ही इनके पुण्य है। इसको सुनते ही जब महाराज इनको सामने सारे पाप उन्होंने काट दिए, सारे पाप को उन्होंने काट दिए, बल्कि इनको रमा वैकुंठ ले जाओ और वहां पर 100 साल तक हमने वहां के सारे सुख भोग को 100 साल तक दिए। उसके बाद में हमको ब्रह्मलोक में 100 साल के लिए भेजा गया, वहां भी हमने सारे ऐश्वर्य को भोग किए। उसके बाद में स्वर्ग का इंद्र इंद्राणी बना करके हमें भेजे, वहां पर भी सारे सुख भोग किए, और उसके बाद में ये मरते जगत में अभी 100 साल के लिए हम ये राजा और रानी बन करके आए। अभी तो हमारी ठार बार को आप देख रहे हो, देखो अनजान में उनको पता नहीं था ये भगवान की कथा क्या होता है, इनको पता नहीं था, अनजान में कथा में बैठे और ठाकुर जी की प्रसाद को पा करके क्या लाभ हुआ। सारे ब्रह्मलोक में वैकुंठ लोक में इनको स्वर्ग लोक में और पृथ्वी का राजा रानी पद भी प्राप्त हुई। कहते इसलिए हम ये जीवन को बर्बाद नहीं करते हुए हम अष्ट धाम ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर को भोग, ठाकुर जी को खिलाना, ठाकुर जी इसलिए हम लोग उस समय को नष्ट नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ राधा रानी कहती हैं, जो यहाँ भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं ना, ये कथा सुनने के बाद जब आप ऊपर जाओगे, जब काफी खुलेगा ना, आपको मिलेगा आप लोगों ने यहाँ पर 7 दिन तक आप लोगों ने ये भागवत कथा श्रवण किया था, आप तो सोच नहीं सकते हैं इसकी कितने पुण्य आपको मिलेगी। ये राधा रानी स्वयं कहती हैं, एक बार भागवत की जय कर लेना। श्रीमद् भागवत कथा जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसलिए कहते कथा सुनने पर क्या होगा, जीवन की मंगलमय होगा। कितना लाभ हो गया? 5। छठवां लाभ कहती है बोले दा। दा मतलब होता है कि संसार का जो दुख कष्ट है, संसार का जो बंधन है, ये सब के सब नष्ट हो जाएगा। कहते इसकी जो सप्तमा फल है श्री, श्री मतलब होता है ऐश्वर्य, श्री मतलब होता है शोभा, श्री मतलब होता है जस। कहते जो भगवान की कथा सुनेंगे जगत में उनका जस सारा दुनिया में इनकी जैसे जैसे मिलेगा। और कहते 8वां लाभ है, जगत में बहुत बड़ा बड़ा दान है, कोई स्कूल खोल दे, कोई कॉलेज खोल दे, कोई हॉस्पिटल खोल दे, लेकिन राधा रानी कहती हैं ये भागवत कथा को जो दान करते हैं इससे बड़ा दान दुनिया में कोई नहीं। इसलिए भागवत में कथा आती है, अब धुंधुकारी गोकर्ण की कथा आती है। ये धुंधुकारी ने इतने पाप किया था, इतने उसने पिताजी को इतने पिटाई कि पिता घर छोड़कर चले गए। मैया को इतने दुख दिया, मैया तो कुआं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। फिर उसने 6 बेस्या को बुला करके अपना घर में रखने लग गया, कोई बोले साड़ी दो, कोई बोले अलंकार दो। एक समय उसने राज दरबार में डाकू डाले, बहुत कुछ पैसा को उसने लूट करके लाए। अब बेस्या को पता चला सबरे होते सीआर की लगी जाएगी, अगर पकड़े गए ना सीधा सीधा जेल। अभी 6 बेस्या ने दो उनको दो हाथ पकड़ लिए, दो उनको पैर पकड़ लिए, दो ने उनकी गले में रस्सी की फांद डाल करके बड़ी कोशिश की मारने के लिए, जब किसी तरह से मार नहीं सकी, ठोस करके बुरी तरह से उसको मारा और घर में गाड़ करके चली गई। अभी उसने बन गया प्रेम। जब घर में गोकर्ण आया बोले भैया तेरे नाम पर मैंने गया में पिंड दी, तेरे को उधार नहीं हुआ। बोले भैया मैंने इतने पाप की, मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दे दोगे ना मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी। जब उन्होंने सूर्य देवता को पूछे इनकी मुक्ति कैसे मिलेगी, मैं भागवत कथा सुना।
ये भागवत कथा से मन को मुक्ति मिलेगी। उनने सात गांठ की बांस काट दिए, पहला दिन में एक गांठ कट गई, दूसरे दिन में दूसरे गांठ, तीसरे दिन में तीसरी और सात दिन में सात गांठ कट गई। और वैकुंठ से रथ आया, बड़ा सुंदर उन्होंने विष्णु दूतों का रूप धारण करते हुए रथ में बैठे जब वैकुंठ जा रहे थे, गोपाल ने प्रश्न किया, बोले ये बताओ यहाँ पर तो इतने सारे लोग बैठे हुए कथा सुनने के लिए, लेकिन आप एक ही रथ क्यों लाए, ये सभी के लिए तो रथ लाना चाहिए था ना। लेकिन विष्णु दूत ने कहा देखो हाँ, आप भी ध्यान देकर सुनो, जो मुक्ति इनको गया में पिंड देने पर भी नहीं मिली, कौन पर गया गया कोई गया गया नहीं, वहां पर भगवान का वरदान है, ठाकुर जी के चरण की छाप वहां पर है। भगवान ने स्वयं बताए अगर कोई गया में आए पितृ पुरुष को उपलक्ष्य में वहां पिंड प्रदान करे उनको जरूर उद्धार हो जाए। लेकिन गोकर्ण ने जब उनको पिंड दिए तभी उधार नहीं हुआ, तभी भूत बनकर बैठा हुआ, भूत बनकर बैठा हुआ। लेकिन इनकी मुक्ति कैसे हुई, जब उन्होंने ये भागवत कथा सुनी। मतलब है कि हम जितने बड़े पाप क्यों नहीं किए हो, जितने बड़े पाप क्यों नहीं किए हो, अब आओ केवल ये भागवत कथा में बैठ जाओ, आपको और कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल कथा में बैठ जाओ ना। ये भागवत की इतने महिमा, कथा सुनने का वैकुंठ से रथ आए और बड़े सुंदर विष्णुदूत रूप धारण करते हुए उन्होंने वैकुंठ विजय किया। मतलब जितने बड़े से बड़े पाप क्यों नहीं हो, कथा सुनेंगे तो जरूर उसको मुक्ति मिल ही जाएगी। और एक चीज समझो, कभी कभी देखना आप संसार में घर में रुपया पैसा स्त्री पुत्र परिवार घर में सब कुछ है, लेकिन देखना कभी कभी घर में शांति नहीं है। आप लोग ये चीज को अनुभूति किए होंगे, घर में सारी चीज है, रुपया पैसा की कोई कमी नहीं, स्त्री पुत्र परिवार घर में सारे चीज है, लेकिन देखना घर में शांति नहीं होती। क्यों? कभी कभी ये पितर दोष होता है। अगर पूर्वज लोग तुम्हारे ऊपर नाराज है, अगर वो सुखी नहीं, फिर घर में जो कुछ सुखी नहीं हो घर में शांति सुखी नहीं होती। लेकिन ये पितर दोष कब खत्म होता है, ये पितर दोष कभी भागवत कथा से, अगर ये भागवत कथा श्रवण कर लो ना, तुम्हारे पितर दोष मुक्ति मिल जाती है उनको कथा सुन करके। इसलिए जब मुक्ति उनको मिली, बोले भैया यहाँ पर तो इतने लोग बैठे हुए कथा सुनने के लिए, लेकिन आप एक ही रथ क्यों लाए, यहाँ पर सभी के लिए रथ लाना चाहिए थे ना। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, हमें कैसे कथा सुननी चाहिए फिर हमें ये पाप से मुक्ति मिले। वो पहला कारण बताए, बोले विश्वास गुरु वाक्य सो स्वस्मिन् दिनत्व भावनम् मान दोष जयस्ते सा कथायाम निश्चला। पहले पहला दोष है विश्वास गुरु वाक्य से, पहले गुरु जी की वाक्य के ऊपर में हमारी विश्वास हो। अगर कोई सोचे अरे इसे भूत पिशाच किसी ने देखा है, ये पंडित लोग तो पेट पालने के लिए स्टोरी बना दिए हैं, अगर ऐसे अगर भाव रखकर कोई सुने ना, विश्वास नहीं होना, कहते भैया ये कथा सुनने पर भी तुमको फल नहीं मिलेगा। इसलिए पहला नंबर क्या करो, विश्वास गुरु वाक्य सो, पहले गुरु वाक्य में शास्त्र ग्रंथ में पहला नंबर है विश्वास करो। बोले दूसरा दोष क्या है, बोले कथायाम निश्चलाम गति, जब कथा को श्रवण करो एक मन से टकटकी लगा करके ध्यान पूर्वक ये कथा को सुनो। बोले तीसरा दोष क्या है, बोले दीनहीन होकर के सुननी चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भक्ति करना तो हमारे अंदर में चार गुण होनी चाहिए। कितना गुण होनी चाहिए, बोले चार गुण होनी चाहिए। बोले क्या है, बोले त्रिनादपि सुनि चेन तररपि सहिष्णुना अमानि राग मान देन कीर्तनीय सदाय। पहला जो गुण है दीनहीन होकर के, त्रिन से भी ज्यादा दीनहीन होनी चाहिए, पेड़ से भी ज्यादा सहन शक्ति हो, सबको यथा योग्य सम्मान दो, कभी स्वयं सम्मान की भूखे मत रहा करो। कहते हैं चार गुणों में गुणी होकर के क्या करनी चाहिए, अगर ये भागवत कथा श्रवण करेंगे ना, ये भागवत कथा हमें जरूर
फल प्रदान करेगी। जब उन्होंने ये बात बताई गोकर ने कहा सुन लिया, हम सबके संत कथा सुने लेकिन हमारे लिए रखी नहीं आए। देखो कल से फिर दो बार आपने ये कथा सुनाऊंगा, सबके सब ज्यादा दिन नहीं केवल सात ही दिन है। कितना दिन? केवल सात दिन। अगर हम सही सही रूप में कथा भी सुनेंगे ना, हमारे भी सारे पाप नष्ट होकर के हम भी सारे दुख कष्ट से मुक्ति पाकर क्या करेंगे, भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। उन्होंने फिर कथा प्रारंभ की, सब लोगों को निमंत्रण दिया, सबके सब आओ और ये श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करो। जब उन्होंने दूसरे दिन से कथा सुने, सब लोग एक मन से ध्यान पूर्वक जब सबके सब कथा सुने, कथा की जब विश्राम हो गई ना, जितने वहां पर लोग बैठे हुए थे सभी के लिए एक एक रथ आया, सभी के लिए एक एक रथ आया और सबके सब रथ में बैठ करके भगवान लोग गमन किए, अब सबका पाप नष्ट हो गया। देखो हम भी कथा सुन रहे हैं, जब कथा विश्राम हो जाएगी ना, हम सभी के लिए भी एक एक रथ आएगा, हम सभी के लिए भी एक एक रथ आएगा लेने के लिए। हम लोग जाओगे? कौन जाएगा? हाथ उठा, हाथ उठा कर आपको लगता है हम झूठ बोल रहे हैं? सचमुच से रथ आएगा ना, सब भाग जाएंगे यहाँ से, क्योंकि भैया अभी बेटा का शादी नहीं हुआ, अभी बेटी की शादी नहीं हुई, बच्चे को फोन देखेगा, पति को फोन रोटी खिलाएगा, है कोई चिंता मत करो। कथा सुनते सुनते, देखो कथा सुनते सुनते जब तक कि संपूर्ण रूप में हमारी आसक्ति नष्ट नहीं हो जाती ना, तब तक रथ आने का कोई सवाल नहीं। इसलिए कोई चिंता मत करो, मन लगा करके भागवत कथा सुनो, एक बार जयकार दो, बोले श्रीमद् भागवत कथा की जय। जय जय श्री राम, कैसे सुननी चाहिए। कहते इस कथा भागवत कथा के जो श्रोता हैं, कहते दो तरह के, कितने तरह के? कितने तरह के? दो तरह के। एक श्रोता है अच्छे श्रोता है और एक श्रोता है साधारण श्रोता है। आप लोग उसको याद रखना, ठीक है? जो अच्छे श्रोता है कहते वो चार करेंगे, चार करेंगे। आज मैं बताऊंगा, अब कल आपसे मैं सुनूंगा, ठीक है? पहला नंबर है जो अच्छा श्रोता है चार तरह का, पहला नंबर है हंस। ये हंसों को आप दूध दो, देखना ये हंस दूध दूध को पी लेगा और ये पानी पानी को ये छोड़ देता है। अच्छा श्रोता कौन है? जो जीवन में सार सार को ग्रहण करे और असार को जो जीवन में त्याग दे, ये पहला नंबर है। दूसरा है मधुमक्खी। मधुमक्खी को देखना, भले एक कांटा के वृक्ष में फूल क्यों नहीं हो, देखना मधुमक्खी वहां भी बैठी करके ये शहद को ग्रहण कर लेता है। हमें कथा कैसे सुननी चाहिए? मधुमक्खी जैसे, हैं? हर जगह पर बैठी करके हमें केवल शहद शहद ग्रहण करनी चाहिए और असार को हमें त्याग देनी चाहिए। कितना तरीका हो गया? दो। तीसरा नंबर है चातक। ये चातक एक चिड़िया है, इसका एक विशेषत्व है वो किसी नदी का पानी कभी नहीं पिएगा, किसी तालाब का पानी नहीं पीता है। वो पानी कब पिएगा? जब बारिश ही होगा ना, ये स्वाधी नक्षत्र का पानी ये पीता है, लेकिन जहां तक का पानी नहीं पीता है। इसका मतलब है अगर हम कथा सुने ना, ठाकुर जी का ही कथा सुने, ये दुनियादारी की ऐसे नहीं कहीं चुगली किसकी निंदा हो रही है, बैठ गए बैठ कर बैठे भी नहीं, भैया कथा सुना तो किसी कथा सुना, ठाकुर जी की चातक जैसे टकटक लगा के ठाकुर जी की कथा सुननी चाहिए। कितना तरीका हो गया? तीन। चौथा नंबर है मछली। आप लोग मछली देखे हो? कौन कौन मछली देखे? देखे आप, देखना जो मछली उसका आंख का पत्ता देखना, पलक देखना कभी झपकी नहीं, उसका पलक हर समय खुली रहती है। कहते कथा कैसे सुना? टकटक लगा करके एक मन से, कथा की एक बात हमारी चुप नहीं जाए, ऐसे एक मन से कथा सुननी चाहिए। कितना तरह का हो गया? चार तरह का। याद रहेगा? किसको याद रहेगा? ठीक है, कल जो सुनाएगा उसको इनाम दूंगा, ठीक है? और जो साधारण श्रोता, ये तो अच्छे श्रोता चार तरह का हो गया, साधारण श्रोता भी चार तरह का है। पहला नंबर है गुरु।
ये भुरुंड एक चिड़िया को रहता है हिमालय पर्वत में, इसकी एक नेचर है, आप इसको जैसे सुना हो ना ठीक एग्जैक्टली आपको ठीक देखा को सुना देगा, लेकिन वो अपना जीवन में एक अक्षर भी नहीं उतारते करते समय वो उल्टा करेगा, सुनेगा सुना भी देगा लेकिन अपना जीवन में एक अक्षर नहीं उतारेगा, उल्टा करेगा सबके सब। ये एक पहला नंबर है। दूसरा नंबर है ऊंट। आप लोग ऊंट देखे होंगे, देखे कि नहीं ऊंट को? ऊंट को कोई कोमल कोमल पत्ते दो खाएगा नहीं, वो कौन सा पेड़ खाता है? बबूल, उसमें कांटा हो ना, वो कांटा पेड़ को खाता है। इसका मतलब है जो व्यक्ति भगवान की मधुर मधुर कथा नहीं सुन रहे हैं, ठाकुर को प्यारी प्यारी कथा में जिनका रुचि नहीं, रुचि किसमें है, किसकी चुगली में रुचि है, किसकी बुराई में रुचि है, दुनियादारी की बात हो ना बस वहीं पर बैठ करके घंटे घंटे वहीं पर बिता देगा, उल्टा पुलटा चीज को देख करके सुनकर बिता देगा, लेकिन ठाकुर की कथा में जिनकी रुचि नहीं उनको क्या बोलते हैं? ऊंट। तीसरा नंबर है बैल। जो बैल है आप इसको बैल जानते हो, बुलक, उसको बैल, बैल को आप सुंदर सुंदर कोई फल दो, अंगूर केले एप्पल दो, उसका भूसा दे दो, देखना दोनों में वो कोई फर्क नहीं समझता है, ये दोनों को ही बराबर मानता है। मतलब है जो व्यक्ति भगवान की कथा हो नहीं तो ये दुनिया की कथा हो, दोनों कथा में वो कुछ फर्क नहीं समझता है, वो दोनों कथा को जो बराबर मानता है कहते वो बैल है। बोले चौथा नंबर, चौथा नंबर है कहते ये भेड़िया। ये एक छोटा जाति का बाघ होता है, जब कोई हिरण सुरीले शब्द सुन करके जब उसमें मुग्ध हो जाता है वो उसी समय में वो भेड़िया उसके ऊपर आक्रमण करता है। मतलब क्या है कहते ऐसे कुछ श्रोता हैं जो कथा स्वयं नहीं सुनते हैं और जो पास में जो बैठे हुए व्यक्ति ना उसको भी कथा सुनने नहीं देते, बिना कारण के बैठे बैठे करके बात करते रहेंगे, तुम्हारे घर में क्या बना था, उसको छोरा ने ऐसे की, उसको छोरी ने ऐसे की, बैठ कर कथा में भी खुद सुने नहीं तो दूसरों को भी जो सुनने नहीं दे वो कौन है? कहते भेड़िया है। चार तरह का ये साधारण श्रोता। और ये जो भागवत ये चार तरह का है, बोले सात्विक निर्गुण है, कहते हैं राजसिक तामसिक, ये चार तरह का भागवत कथा है। बोले सात्विक की कथा किसको कहते हैं? जैसे एक महीना तक कथा सुने, नहीं तो दो महीना तक कथा सुने लेकिन उसको बाद में फिर कथा से जिनका कोई मतलब नहीं। कहते राजसिक की कथा किसको कहते हैं? बोले बड़े ठाड़ बाड़ से कथा आयोजन किया, सबको बुलाया, भैया कथा सुनने के लिए आओ, कथा सुनने के लिए आओ। कभी कभी कथा की व्यवस्था में इतना बिजी हो जाते हैं जो असली चीज जो कथा सुनना है ना वो कथा ही नहीं सुन पाते, इसको कहते हैं कि राजसी कथा है। बोले तामसी कथा किसको कहते हैं? और जैसे सात दिन तक कथा है, कभी कथा में मन लगा तो बैठे, कभी कथा में मन ही नहीं लगा एक चक्कर घूम करके आ गए, कभी बीच में आ गए, कभी लास्ट में आ गए, मतलब किसी तरह से सात दिन तक कथा बिता गया, इसको कहते तामसी कथा। लेकिन निर्गुण कथा किसको कहते हैं? सही कथा क्या है? बोले सही कथा वो है, बोले सदा से प्यार श्रीमती भागवती वाक्य, जिसने अपना जीवन को ही भागवत में बना दिया, रोज नियम करके रामायण हो, भागवत हो, भगवत गीता हो, हैं, रोज नियम करके जो ग्रंथों का अध्ययन करे, ठाकुर जी को सेवा करे, ठाकुर जी को पूजा करे, जो कुछ खाना बनाए क्या समझे ठाकुर जी के लिए खाना बना रहे, अपना घर को साफ कर रहे हो, अपना हाथों में साफ करो, लेकिन कहाँ साफ कर रहे हो? ठाकुर जी का मंदिर। किसको साफ कर रहे हो? ठाकुर जी की मंदिर। जैसे गोपियां अपना घर को साफ करती थी हाथों में, लेकिन हाथों में तो काम करती थी लेकिन मुंह में क्या करती थी? ठाकुर जी की नाम लेती थी। हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की नाम लो। कोई बिजनेस करते हो बोले क्यों? बोले ठाकुर जी का बिजनेस है, ठाकुर जी का। इसलिए हर चीज में जो ठाकुर जी को याद करते रहते हैं और अपना जीवन को गीता रामायण भागवत हो जो अपना जीवन उसमें जो डुबो दे। देखो एक समय हमारे जो बड़े गुरु जी थे, हमारे जो बड़े गुरु जी हैं, किसने इनको आकर के बोले गुरु जी बच्चे बात नहीं सुनते हैं, ये घर घर की समस्या है, बच्चे हमारे ध्यान करने बात को सुनते, बोले बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं। गुरु जी ने कहा बेटा तू रामायण पढ़ते हो और बच्चे को रामायण पढ़ाते हो? बोले नहीं। बोले रामायण जो पढ़ेगा नहीं और बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाएगा उसको यही यही दुर्गति है।
मात पीत गुरु नमे मत। ठाकुर जी सवेरे उठ करके सबसे पहले अपना पिता माता के चरण छूते थे। आप लोग रामायण देखे हो, कौन कौन रामायण देखे हैं? अब देखे होंगे, जब जब दशरथ महाराज शयन करते हैं, भगवान राम स्वयं अपना हाथों से पिताजी की चरण की सेवा करते हैं। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, भैया रामायण पढ़ो और बच्चों को रामायण पढ़ाओ, पढ़ाओगे ना, जो बच्चा रामायण पढ़ेगा वो सारा जीवन पिता माता की सेवा करेगा, पिता माता की जरूर वो सेवा करेगा। क्यों? उसको पर अच्छे संस्कार पड़ेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चों को स्मार्टफोन पढ़ाते, बोले तो स्मार्टफोन ले, लेकिन उसको कभी गीता रामायण पढ़ने की कभी खुद नहीं पढ़ते, तब बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? अगर हम पढ़ेंगे बच्चे तो तभी रामायण पढ़ेंगे ना। इसलिए क्या करो, रामायण पढ़ो, बच्चों को भी रामायण पढ़ाओ। अगर ये ग्रंथ को पढ़ोगे ना, जो पढ़ेगा पढ़ाएगा जिंदगी भर देखना जरूर वो पिता माता की सेवा करेगा, बुजुर्गों को चरण छुएगा, सभी की आशीर्वाद लेगा। इसलिए क्या करनी चाहिए, अपना जीवन को ही प्रभु का प्रेम में बना दो, भगवान की भक्ति में ही बना दो, फिर तो जीवन में आनंद ही आनंद है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय, जय श्री राम। हाँ देखो, आज कथा को हम यही विश्राम दे देते हैं, क्योंकि कथा चार से लेकर के कितना तक है, चार से लेकर सात तक है ना, कितना तक है, पांच से लेकर आठ तक। देखो आज पहला दिन की कथा है, इसलिए आज हम कथा को यही विश्राम कर देंगे, लेकिन कल से आप लोग एकदम टाइम से आना, ठीक है ना। और हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, एक एक भक्त साथ में दस दस भक्तों को लेकर आना। कितने कितने भक्तों को ले आना? दस दस भक्तों को लेकर आना। हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, जब आप किसी को भगवान के भजन में लाओगे ना, तो जो पुण्य मिलेगी उसका जो आधा पुण्य लाने वालों को, उसका आधा पुण्य लाने वालों को मिलेगा। इसलिए कल से आप लोग एकदम ठीक पांच बजे मतलब अगर आप सात दिन तक कथा सुने मन लगा कर, जो मांगोगे आपको वही मिलेगा, जो मांगोगे वही मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आपको सारे फल मिले, जीवन में शांति सुख आपको मिले, जो अपना जीवन में चाहते हो भागवत आपको वही देगा। हम चाहता हूं आप जिस जितने समय से आ करके कथा सुन सकते हो, हम उतना समय से आप कथा सुनाएंगे। आप लोग बताओ, बोलो कौन कौन बोल रहे हो, चार से सात, हाथ उठा। देखिए सबके मन की तो एक साथ हो नहीं सकती है भाई, वोट आजकल वोट का जमाना चल रहा है, जिसके वोट ज्यादा हो जाएंगे उसी हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, चार वाले कौन कौन है जो चार से कथा चाहते हैं? एक दो और पांच से वोट में ना। ठीक है, साढ़े चार बजे आप दोनों का बात रहे, ठीक है ना, दोनों का बात रहे। इसलिए साढ़े चार से लेकर के साढ़े सात आरती होता तो आठ बज जाएगी, आरती होता तो आठ बज जाएगी, क्योंकि देखो आप लोग घर में जाकर फिर खाना भी बनाना है ना, भूखे ना भजन हो जाएगा। इसलिए घर में जाकर के बच्चों को देखना पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए एकदम साढ़े चार से लेकर के हम कोशिश करके साढ़े चार से लेकर साढ़े सात तक हम कथा को विश्राम दे देंगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसे नहीं बोल दिया साढ़े चार बजे आओगे छः बजे, ऐसे नहीं, ठीक टाइम पर आओ, ठीक है, टाइम पर आओ। और कल कितने कितने भक्तों के साथ में लेकर के आओ, बोलो कम से कम दस दस भक्तों को लेकर के आना। हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, जिसको लाओगे ना उसका पुण्य भी आपको प्राप्त होगी, आपकी उसके पुण्य भी आपको प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। हाँ देखो प्रभु जी बोल रहे हैं आप सभी के लिए समय समझ रहा है, इसलिए आप थोड़ी सी और 10-15 मिनट प्रभु जी एक भजन गाएंगे और 10-15 मिनट कथा में समझ आ, हाँ प्रसाद समझ आ रहा है सबके सब।
Thank you.